गाइस कैसे हो सभी लोग। हेलो गाइस कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तो उससे पहले मैरी क्रिसमस। ये मेरा थोड़ा सस्ता सा लुक है। मेरे पास ना उसकी ड्रेस नहीं थी तो मैंने सोचा टोपा पहन लेता हूँ। टोपा तो लेके लेके ही आते हैं। तो आज हम लोग अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके सीजन 4 के पार्ट 3 की स्टोरी के बारे में। तो बड़ा मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अटैक ऑन टाइटन के कितने सीजन्स हैं। अटैक ऑन टाइटन्स के 4 सीजन्स हैं, उनमें से 2 सीजन्स फुल हैं, उनके कोई पार्ट्स नहीं है। पर सीजन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, सीजन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, है ना। वो पहले उसके 2 ही होने वाले थे पर अब 3 हो चुके हैं। आज हम उसी की स्टोरी जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 एंड कहाँ हुआ था। एंड वहाँ हुआ था जहाँ जब एरन जो है मार्ली पहुंच चुका था और वहां पे वो अटैक कर रहा था, है ना। तो आज तो अब हम बात करते हैं अब इसके आगे, मतलब अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के पार्ट 3 में क्या होगा। चलो फिर शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। देखो कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो सकती है। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, शायद से ऐसा ना हो। इस तरीके से शायद से स्टार्ट हो सकती है कि मतलब उसी स्पॉट से स्टार्ट हो जहाँ पे एंड हुई है सीजन 4 पार्ट 2। ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले जो है एरन जो है हमारा वो मतलब अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 वहीं से स्टार्ट हो सकते हैं जहाँ पे पार्ट 2 एंड हुआ था, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो देखो जहाँ पे वो एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हो सकता है। तो देखो स्टोरी क्या हो सकती है कि जब एरन वहाँ पे पहुँचेगा कलोसस टाइटन के साथ, तो वहाँ पे जो है उसके दोस्त जो कि आर्मिन मिकासा और भी बहुत सारे हैं वो वहां पे आ जाएंगे। उनके साथ अब आर्मरेड टाइटन भी होगा, फीमेल टाइटन भी होगी। अब जब वो वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे उन्हें जो है देखेगा कि एरन ने जो है मार्ली पे अटैक कर दिया है। अब वो आएंगे, एरन को रोकने की ट्राई करेंगे। और अब उनके पास 2 टाइटन्स की पावर भी है, मतलब 2 टाइटन्स भी है उनके पास। तो शायद से उनका पलड़ा भारी पड़ सकता है। पर उसके बाद टाइटन्स उसके बाद एरन को गुस्सा आएगा और वो एशियन टाइटन शिफ्टर्स, यानी कि एंशियंट टाइटन शिफ्टर्स क्या है उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ उनके बारे में। ये ऐसे टाइटन्स होते हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे जो है 9 मेन टाइटन शिफ्टर्स हैं, उनमें से काफी सारों के एंशियंट टाइटन शिफ्टर्स हैं, 2 को छोड़ के, एक कलोसल टाइटन एक कार्ड टाइटन। तो देखो तो अटैक टाइटन्स के जैसे कि बहुत सारे अटैक टाइटन आ जाएंगे, बहुत सारे बीस टाइटन, बहुत सारे आर्मर टाइटन इस प्रकार के, है ना। तो फिर क्या होगा जब जब वो बाहर निकलेगा, जब सारे टाइटन्स बाहर आ जाएंगे, तो एरन का जो पड़ना है वो भारी पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो उन पे अटैक करेगा। उसके बाद एंट्री होगी हमारे लीवाई साहब जी की। वो आके एरन को जो है वो आके एरन की कलोसस टाइटन की टीम को और उनके एंशियंट टाइटन शिफ्टर्स को मारना शुरू कर देंगे। उनमें से काफी कुछ को वो मार देंगे। उस दोबारा से एरन के दोस्तों का पलड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा और अब होगी असली फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद क्या होगा कि एरन के जो दोस्त हैं वो कुछ न कुछ करके उसके हेड पे शॉट मारेंगे एक, जिससे उसका हेड टू ब्लास्ट हो जाएगा और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। पर जैसे ही वो नीचे गिरेगा एक नया टाइटन आएगा जो कि है एरन कलोसर टाइटन। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब जब कलोसर टाइटन की एंट्री होगी तो आर्मेन उससे फाइट करेगा क्योंकि वही उसके जितना बड़ा है। सारे लोग उससे फाइट करेंगे और आर्मिन के साथ, एरन का कलोसल टाइटन जो है। सो गाइस हम बात कर रहे थे कि
कि जो जो आर्मिन है, मतलब जो एरन का कलोसल टाइटन है, वो आर्मिन के कलोसल टाइटन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो उसे हरा देगा। उसके बाद जो वो है उसके बाद जो है किसी तरह सारे लोग जो है, मतलब किसी तरह मिकासा एरन का जो कलोसल टाइटन है उसके अंदर जाएगी, और जो है एरन का जो है और जो है एरन का जो सर है वो वहाँ से बाहर निकाल लेगी, और जो है फिर रंबलिंग स्टॉप हो जाएगी, और फिर होगा एंड, फिर सारे लोग जितने भी लोग मर चुके थे वो सारे जिंदा हो जाएंगे, और सारे लोगों में से टाइटन्स की पावर चली जाएगी, और उसके बाद रंबलिंग जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी, है ना। अब एरन का फ्यूनरल होगा और उसके बाद कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरी ओन थ्योरी है, ओन स्टोरी। अब देखो जो अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 था उसके 2 पार्ट्स होने वाले थे, मतलब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था कि 2 ही पार्ट्स होंगे, पर इसके पार्ट 3, इसका एक और पार्ट क्यों बनाया जा रहा है, तुमने कभी सोचा इसके बारे में? क्योंकि शायद से जो अटैक ऑन टाइटन के राइटर हैं या डायरेक्टर पता नहीं, उन्होंने शायद से ये सो मतलब वो शायद से एंडिंग में थोड़ा चेंज लाना चाहते होंगे, इस वजह से इन्होंने मतलब स्टोरी में थोड़ा सा चेंज लाना चाहते होंगे कि मतलब स्टोरी में थोड़ा चेंज लाना चाहते होंगे, इससे जो है पूरा मतलब स्टोरी ये वाली जो मैंने बताई शायद से चेंज हो सकती है ना। तो हाँ ऐसा हो सकता है। तो बस यही थी आज की वाली वीडियो में, इसके टीज़र और ट्रेलर का मैंने ब्रेकडाउन कर चुका हूँ ऑलरेडी, नहीं देखी तो देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है गेमिंग विद गेमर, नहीं चेकआउट करा है तो कर लेना, उस पर मैं गेमिंग की वीडियो डालता हूँ, अब इस पर नहीं आएगी गेमिंग की वीडियो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसका रीज़न मैंने बताया है, नहीं एक और बार बता देता हूँ क्यों नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरे को जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी, है ना, उसके वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था, पर अब वो ओपन हो चुकी है और मैं डाल सकता हूँ, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ दोबारा से अपना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड मैरी क्रिसमस। हो। अब ये टोपी उतारूँ यार, ये